असलम फ्रेंड्स स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर के बैच 2021 के जितने भी फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स से, हैं जैसा कि उनका यहाँ पर डेट शीट आ चुका है अब कुछ दिन पहले यहाँ पर इनका रिजल्ट क्लियर हुआ था एटी परसेंट स्टूडेंट्स को कोई ना कोई सब्जेक्ट बैकलॉग है अब ऐसा सिर्फ यही नहीं है कि इनको थर्ड सेमेस्टर में है बहुत स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको फर्स्ट सेमेस्टर में भी बैक लॉक है सेकंड सेमेस्टर में भी बैकलाक है अब यहाँ पर आपका फोर्थ सेमेस्टर चलने वाला है कुछ ही मंथ बच्चे हैं आपका सिक्स सेमेस्टर आपके ग्रेजुएशन का टाइम कंप्लीट हो जाएगा अगर आप चाहते हैं आपको टाइम के हिसाब से ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए देखो क्लस्टर यूनिवर्सिटी कुछ भी करके आपको जून 2024 तक अपना जो है सिक्स सेमेस्टर देकर आपका जो पूरा ग्रेजुएशन टाइम कंप्लीट कर देगा मगर आपको भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करना है ना कि जो जून 2024 में आपको सिक्स सेमेस्टर क्लियर होगा तो उसमें आपके पूरे सेमेस्टर पास भी होने चाहिए अगर आपको बैक लॉग रहा आपका जून 2024 में सिक्स सेमेस्टर भी हो गया फिर आपको दो साल तो अपने बैक लॉग क्लियर करने में लग जाएंगे फिर आपको ये थ्री ईयर वाली डिग्री सिक्स ईयर में या फाइव ईयर में कम्प्लीट होगी अब बाकी चीज़ बची आप पर कि आपने बाकी जो बैक लॉग बचे हैं उनको क्लियर कैसे करना है देखो मैं आपको कुछ हैंड भी बताऊंगा जैसा आपको यहाँ पर 14 अगस्त से एग्जाम स्टार्ट हैं किसी को 14 से हैं किसी को 17 से किसी को 21 से से अब जैसा आपको एग्जाम स्टार्ट है अब आपने कैसे प्रिपेयर करना है तो आप जितने भी कैंडिडेट्स हैं आप फोकस करो आपका जो मेन फोकस ये रहेगा अभी अभी आपको जो एग्ज़ाम आने वाला है वो है फोर्थ सेमेस्टर का मेन फोकस ये रहे कि फोर्थ सेमेस्टर हमारा पूरा अच्छे से क्लियर हो सके इसमें कोई बैक लग ना रहे देखो अगर आपको फर्स्ट से लेकर सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में कोई भी बैकलाग है या आपका हाफ बन जाता है वन टू थ्री अब फोर फिफ्थ और सिक्स सेमेस्टर में कोई भी बैक लॉग नहीं रहना चाहिए अगर आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड में बैक लॉग है फिलहाल उसको छोड़ो बैकलाग एग्जाम दे आप पास कर सकते हो साथ में फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर के एग्ज़ाम भी दे अब इसमें कोई बैक लग ना रहे ताकि आप बाकी बैकलॉग क्लियर कर सको साथ में और इनके मेन एग्जाम पास कर सको टाइम पे आपकी डिग्री आपको मिल जाए अब इसके लिए सबसे पहला जो मेन पॉइंट है मेन कदम है वो है फोर्थ सेमेस्टर तो फोकस करो फोर्थ सेमेस्टर में कोई भी बैग लग ना रहे अच्छे तरीके से पास हो सके उसके लिए क्या करना अब आपको सिर्फ फोर्टीन या थर्टीन डेज ही बचे हुए हैं आपने क्या करना है अच्छे से प्रिपेयर करना है सभी कैंडिडेट्स को मैं एक चीज़ बोलूँगा सभी स्टूडेंट्स को एक चीज़ बोलूँगा आपने क्या करना है एज़ पर सेलेबस पढ़ो देखो आपको क्वेश्चन एज़ पर सेलेबस होते हैं मगर जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ना शॉर्ट क्वेश्चन आपको सेलेबस में पूछे जाते हैं बहुत ही ज़्यादा टफ होते हैं और उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्टडी करनी पड़ती है तो मैं शार्ट क्वेश्चन की बात नहीं करूंगा वो स्टूडेंट शार्ट क्वेश्चन की वजह से बहुत से क्वेश्चन याद करते हैं एक्स्ट्रा फिर उनको लॉन्ग क्वेश्चन मिस हो जाते हैं तो आप लॉन्ग क्वेश्चन पे मीडियम क्वेश्चन पे फोकस करो आप ईजिली पास हो जाओगे उसके लिए आपने क्या करना है जो आपका सेलेबस है सेलेबस में जो टॉपिक्स हैं सेलेबस में जो बी पॉइंट्स हैं वो प्रिपेयर करो आप सेलेबस के हिसाब से प्रिपेयर करोगे आप जरूर अच्छे से पास हो जाओगे स्टूडेंट ने किया है ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पर सुन रहे हैं या मेरी यहाँ पर बातों को मान रहे हैं मैंने देखा है बहुत फर्स्ट सेमेस्टर से ही कंटिन्यू स्टूडेंट ऐसे जो मेरी सुन रहे हैं उनको कोई भी बैग लग नहीं है वो अच्छे से पढ़ रहे हैं अच्छे से पास हो रहे हैं क्योंकि मैं आपको सिंपली बात बोलता हूँ आपको जो सेलेबस है सेलेबस में जो टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को पढ़ो अगर आपको फोर यूनिट हैं थ्री यूनिट प्रिपेयर करो अगर आपको फाइव यूनिट हैं फोर यूनिट प्रिपेयर करो आप जब फोर यूनिट प्रिपेयर करोगे आउट ऑफ फाइव अगर आप एक यूनिट स्किप भी करोगे जितने भी आपको यूनिट है उसमें से एक स्किप करोगे आपके लॉन्ग क्वेश्चन इजिली हल हो सकेंगे क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में आपको कभी आर में होता है कभी आपको कुछ क्वेश्चन करने होते हैं तो वहाँ पर आपको कोई क्वेश्चन स्किप भी करना होता है तो आप वहाँ से इजिली पास हो सकोगे अब वहाँ से सेलेबस के हिसाब से कभी क्वेश्चन डिफरेंट पूछा जाता है आप वहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हो क्वेश्चन तो तो कुछ कुछ और और पूछा हमने पढ़ा है तो उसके लिए अलग से मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा ताकि जितने भी आप चाहे आर्ट्स के हो मेडिकल के हो कॉमर्स के हो, होम साइंस के हो ताकि आप सबको पता चल सके सिलेबस में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके लिए हम कैसे प्रिपेयर करें अगर हम एक ही नोट उसके टॉपिक है पढ़ते हैं हमें कोई क्वेश्चन और पूछा गया उसके लिए हम क्या करें तो वो आपको ताकि अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो सके ताकि आपका फोर्थ सेमेस्टर अच्छे से पास हो सके उस पर स्ट्रेटजी पर अलग से भी वीडियो बनाऊंगा मेन फोकस सभी स्टूडेंट रखो कि फोर्थ सेमेस्टर अब हमारा यहाँ पर मेन है अब ये हमारा नेक्स्ट चीज़ स्टार्ट हो चुकी है फोर्थ फिफ्थ सिक्स तीन सेमेस्टर रहे जिनमें हमें कोई बैकलाग नहीं रहना चाहिए पिछले किसी सेमेस्टर में रहा तो वो हमारी गलती थी हो गया सो हो गया अब आगे कुछ नहीं होना चाहिए अब इसमें आपने फुल फोकस करना है स्टडी करनी है आज से ये नहीं सोचना कि कल से पढ़ेंगे आज से ही पढ़ना है और यहाँ पर मेन चीज़ अगर आपके पास नोट्स अवेलेबल नहीं है देखो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में हो अगर जो भी क्लस यूनिवर्सिटी के व्हाट्सएप ग्रुप हैं तो या फिर टेलीग्राम ग्रुप में हो तो आप मुझे डीएम कर सकते हो अपने नोट्स बता सकते हो कि इस सब्जेक्ट के नोट हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो मैं विद इन टू और थ्री डेज आपको वो नोट्स कम्प्लीट करके दूँगा क्लियर करके दूंगा तो मैं विद इन थ्री डेज आपके लिए कोशिश करूँगा आप मुझे डीएम आज से ही करना देखो बहुत स्टूडेंट को मैं मैसेज सीन कर लूँगा रिस्पॉन्स अगर ना मिला इसका ये नहीं सोचना मैं देखूंगा ज्यादा स्टूडेंट किसकी डिमांड करें पहले वही सब्जेक्ट्स में आपको प्रोवाइड करूँगा फिर ऐसे ऐसे करके तीन दिन के अंदर अंदर कोशिश करूँगा आपको सभी शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर सको ताकि आप ईजिली पास हो सको फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें बताऊँगा आपने एज पर सेलेबस देख के कैसे पढ़ना है और किस कैसे जाके आपको एग्ज़ाम में लिखना है ताकि आप ईज़िली पास हो सको